थ्री डेज टू नाइट सुंदरबन नेशनल पार्क जंगल सफारी बाई बोट। इंडिया में ओनली सुंदरबन नेशनल पार्क में आप बाई बोट घने जंगल में सफारी कर सकते हो। टू नाइट थ्री डेज टूर में आप द बे ऑफ बंगाल, नो मैन्स आइलैंड, नदियों में घूम के ओपन जंगल के अंदर द रॉयल बंगाल टाइगर, सॉल्ट कोकोडाइल डियर, मेनी टाइप ऑफ एनिमल बर्ड आप बहुत करीब से देख सकते हो। तीन दिनों तक लग्जरियस बोट में वेलकम ड्रिंक्स, टी, कॉफी, डेलिशियस ब्रेकफास्ट, वेज नॉन वेज, हाई क्वालिटी अनलिमिटेड लंच स्नैक्स विथ अनलिमिटेड सी फूड एंड वेस्ट बंगाल फेमस बाउल गान आप बोट में बैठ के एंजॉय कर सकते हो। अरे कलसीते जल नाई जो मुना बरोई। वेलकम टू सुंदरबन नेशनल पार्क टूर। सुंदरबन नेशनल पार्क टूर में बजट कॉस्टिंग, कितना दिनों का टूर होता है, कौन कौन से टूरिस्ट प्लेस आप विजिट कर सकते हो, ऑल एवरीथिंग आपके साथ ये वीडियो में वन बाय वन शेयर करूंगा। हैशटैग सुंदरबन टूर, हैशटैग इनक्रेडिबल इंडिया, ये वर्चुअल टूर की शुरुआत करते हैं। मैं हूँ आपका फ्रेंड सौरभ राज और आप देख रहे हो राइट राइडर्स। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आप जरूर करें। आज मैं सुंदरबन अकेला नहीं जा रहा हूँ, मेरे साथ है मेरा मामी और मामी का मामी मेरा दीदा और साथ में है 45 ट्रैवलर एंड यू। आप लोग भी मेरे साथ आज घूमोगे द वर्ल्ड हेरिटेज साइट सुंदरबन। सुंदरबन नियरेस्ट एयरपोर्ट नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोलकाता एंड नियरेस्ट बिगेस्ट रेलवे स्टेशन हावड़ा एंड सियालदा। सियालदा स्टेशन से आपको सबसे पहले लोकल ट्रेन में 45 किलोमीटर दूर कैनिंग स्टेशन आना है। लोकल ट्रेन में ओनली 10 रुपए देके 45 मिनट पे आप पहुंचोगे कैनिंग रेलवे स्टेशन। सुंदरबन टूर आप ट्रैवल एजेंट और गाइड बुक के बिना टूर नहीं कर सकते। कैनिंग रेलवे स्टेशन से बाहर आपको कई ट्रैवल एजेंट मिल जाएगा। मैं इस साल द रॉयल सुंदरबन मन्ना ट्रैवल के साथ सुंदरबन टूर करूंगा। मैं लास्ट ईयर भी मन्ना ट्रैवल के साथ सुंदरबन टूर किया था। आई हाईली रिकमेंड सुंदरबन टूर विद मन्ना ट्रैवल। कॉन्टेक्ट डिटेल्स आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टूर ऑपरेटर आपको पहले कार या ऑटो से सोनाखाली फेरीघाट तक ले जाएगा। ऑटो का चार्जेस आपके पैकेज के अंदर इंक्लूड रहता है, इसलिए आपको कोई एक्स्ट्रा चार्जेस पे नहीं करना है। कैनिंग टू सोनाखाली फेरीघाट डिस्टेंस अराउंड 18 किलोमीटर। सोनाखाली फेरीघाट से सुंदरबन के लिए बोट डिपार्चर टाइम मॉर्निंग 10 AM। सभी यात्री बोट में चढ़ने के बाद ही बोट सुंदरबन के लिए रवाना होगी। सुंदरबन के लिए हम लोगों के बोट डिपार्चर हुआ मॉर्निंग 10:30 AM। अब हम लोग धीरे धीरे घने जंगल के अंदर प्रवेश करेंगे। हम लोग अभी जो नदी से जा रहे हैं, ये नदी का नाम है होगोल। बहुत ही खूबसूरत मौसम है, बहुत ही सुहाना मौसम है, हवा चालू है, बारिश चालू है और उसके साथ है बंगाली बाउल गान, स्वीट बंगाली बाउल गान। आप एक बार आओ सुंदरबन टूर में आओ, और आप अगर ये बारिश के टाइम आते हो ना तो एक आपको एक अलग से एडवांटेज मिलेगी। बारिश में आपको हर तरफ चारों साइड आपको ग्रीन और ग्रीन दिखेगा। सुंदरबन टूर जो होता है वो पूरा नदी में ही होता है। आप अगर वाइल्ड लाइफ ज़्यादा पसंद करते हो तो आपको एक बार वर्ल्ड हेरिटेज साइट सुंदरबन टूर करना चाहिए। हम लोग आज जो बोट में सुंदरबन के लिए ट्रैवल कर रहे हैं, ये है वो बोट। ये बोट में दो डेक है, एक है लोअर डेक नीचे और एक है अपर डेक ऊपर। लोअर डेक जाने का रास्ता और ये है अपर डेक जाने का रास्ता। लोअर डेक में इधर लगेज बैग रखने का स्पेस है और इस साइड है बाथरूम, वॉशरूम। देखिए ये है बाथरूम। और लोअर डेक में इधर बेड है, साफ सुथरा बेड है, इधर आप रेस्ट कर सकते हो, बैठ सकते हो इधर। और वो साइड में है किचन, और किचन का उस साइड में और एक बाथरूम है। चलिए अभी आप अपर डेक में चलिए। ये है अपर डेक। अपर डेक में सामने ही है मास्टर केबिन और इधर वाटर फैसिलिटी है, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी। और देखिए इधर बैठने का सीटिंग फैसिलिटी है, बहुत अच्छा है। और उधर बाउल गान चालू है और उस साइड भी एक बाथरूम है। इधर ड्रिंकिंग वाटर है, बड़ा सा एक ड्राम है और इधर भी एक हैंड बेसिन है इधर।
हम लोगों के बोट मास्टर बोट ड्राइवर नेम है संजय दा। संजय दा से परमिशन लेके मैं उनका केबिन में गया। देखिए मैं हूँ अभी बोट का मास्टर ड्राइवर, और ये जो आप देख रहे हो ना, ये देखिए, ये इसको कहते हैं स्टीयरिंग, मतलब इसको ऐसे ऐसे करके हम लोग इधर उधर जा सकते हैं, मतलब लेफ्ट राइट हो सकते हैं। और ये जो है ये है गियर, ये फर्स्ट गियर सेकंड गियर इधर से होता है। सुबह 6 बजे से नाव के रसोई घर में मॉर्निंग ब्रेकफास्ट तैयार किया जा रहा था। सबके लिए गर्मा गर्म तैयार हो रहा था आलू कचौरी और आलू का दम और एक गर्मा गर्म रसगुल्ला। ब्रेकफास्ट के बाद सभी ट्रैवलर को सर्व किया गया गर्मा गर्म फिश फ्राई। दोपहर 1 बजे हम अपने पहले व्यू पॉइंट में पहुंचेंगे। नाव के रसोई घर में अभी हम सभी के लिए लंच रेडी हो रहा है। हम लोग अभी पहुंचे सुंदरबन टूर का फर्स्ट व्यू पॉइंट गोसाबा द्वीप। ये है हैमिल्टन साहेब बंगलो। कहते हैं हैमिल्टन साहेब पहले ये सुंदरबन आइलैंड की खोज की थी। सुंदरबन में जितने भी घर है वो सभी घर जमीन से 3 फीट ऊपर तैयार किया जाता है। ये है सेकंड व्यू पॉइंट बेकन बंगलो। अंदर एंट्री करने के लिए आपको 5 रुपीज एक्स्ट्रा पे करना है। रविंद्रनाथ टैगोर के बंगलो है और एक है छोटा सा पार्क जिधर चिल्ड्रेन बहुत सारे प्ले एक्टिविटी एंजॉय कर सकता है। ये है रविंद्रनाथ टैगोर बंगलो। रविंद्रनाथ टैगोर जब भी सुंदरबन आते थे तब ये बंगलो में ठहरते थे। नाव में वापस आते ही हम लोगों को लंच डिस्ट्रीब्यूट किया गया। अभी टाइम है 2:50। अभी हम लोग दुर्गाद्वानी नदी में लंच करेंगे। सुंदरबन में अभी हिल्सा फेस्टिवल चालू है। ओनली बारिश के टाइम द बे ऑफ बंगाल समुन्दर में समुन्दर का सबसे महंगा फिश हिल्सा फिश मिलता है। पर केजी इसका प्राइस रहता है 1000 के ऊपर। फर्स्ट डे लंच में है नींबू मिर्च बासमती राइस दाल बैंगन पकोड़ा मच्छी का माथा देके सब्जी। ये है बैंगन इलिस और ये है सरसों इलिस। साथ में रहता है मीठा चटनी और पापड़। लंच करते हुए आप नदी में बड़े बड़े बांग्लादेशी सीप देख सकते हो। अभी हम लोग एंट्री किए नो मैन्स आइलैंड में। इधर से टाइगर जोन स्टार्ट होता है। शाम 5 बजे हमें अमरुद दिए गए। फर्स्ट नाइट हम लोग आज स्टे करेंगे पाखीरालॉय आइलैंड में। शाम को 6 बजे हम लोग पाखीरालॉय पहुंचे। पाखीरालॉय में बहुत सारे होटल गेस्ट हाउस रिसोर्ट अवेलेबल है। आपके पैकेज के हिसाब से इधर एसी नॉन एसी रूम बुकिंग होता है। होटल का कॉस्ट आपके पैकेज के अंदर इंक्लूड रहता है, इसलिए आपको कोई एक्स्ट्रा चार्जेस पे नहीं करना है। आपको ओनली आपका डॉक्यूमेंट्स कैरी करना है। मेरे साथ मेरा मामी और दीदा था, इसलिए हम लोगों को 4 बेडरूम दिया गया। शाम को टिफिन में था चिकन पकौड़ा और कॉफी, और रात को डिनर में था जीरा राइस मटन एंड सलाद। सुंदरबन टूर में आपको खाने का क्वालिटी क्वांटिटी एंड टेस्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। गुड मॉर्निंग, सुंदरबन टूर डे 2। आज हम लोग मेन सुंदरबन के अंदर एंट्री करेंगे। मॉर्निंग 7 AM हम लोग रेडी हो गए सुंदरबन जंगल सफारी के लिए। लास्ट डे हम लोग एक बोट में 45 ट्रैवलर्स आए थे। बारिश चालू है, नदी में लहरें ज्यादा है, इसलिए आज जंगल सफारी में और एक एक्स्ट्रा बोट आए हैं।
हम सभी ट्रैवलर दो बोट में डिवाइड हो गए। आज दो बोट एक साथ जंगल सफारी में निकलेगा। फर्स्ट व्यू पॉइंट जाने से पहले हम लोगों को गर्मा गर्म चाय दिए गए। मॉर्निंग 8 AM हम लोग पहुंचे फर्स्ट व्यू पॉइंट। ये है सुंदरवन सोजनेखाली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अभी हम ट्रैवलर के साथ ये पूरा जंगल सफारी में एक गाइड रहेगा। गाइड हमें पूरे दिन सुंदरवन के बारे में बहुत अच्छा से समझाएगा। सुंदरवन के अंदर कौन सा एनिमल कहाँ रहता है, बाघ हरिन देखने का चांसेस कहाँ ज्यादा रहता है, ऑल एवरीथिंग एक एक करके हम लोगों को समझाएगा। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर एक हैंडक्राफ्ट का दुकान है, जिधर से आप लोकल लोगों से हैंडक्राफ्ट आइटम परचेस कर सकते हो। इधर 50 फीट ऊंचा एक वॉच टावर है, इधर से आप घने जंगल के अंदर बहुत दूर तक देख सकते हैं। ये है फास्ट वॉच टावर। जितना दूर आपका आंख जाएगा उतना ही दूर आप सिर्फ जंगल ही जंगल देख पाओगे। और जंगल के बीच में है देखिए एक मीठा पानी का पॉन्ड, टाइगर इधर पानी पीने आता है। नाव में वापस आते ही ब्रेकफास्ट सर्व किया गया। आज ब्रेकफास्ट में है पूरी, दाल, चना मसाला और एक मीठा संदेश। সকালে আমরা এই সজনেখালি ঘুরে এসে আমাদেরকে ব্রেকফাস্ট দেওয়া হলো। এই হচ্ছে পুরি আর তার সঙ্গে ঘুগনি আর একটা সন্দেশ রয়েছে, একবার খেয়ে দেখি কেমন। गाइड दादा हम लोगों को बताया जंगल के अंदर नजर रखने के लिए, टाइगर कभी भी जंगल से बाहर आ सकता है। जंगल के अंदर अभी नेट फेंसिंग दिखाई दे रहा है, बट कुछ टाइम के बाद ये नेट फेंसिंग नहीं दिखाई देगा। द रॉयल बेंगल टाइगर है इंटरनेशनल स्विमर। इंडिया साइड सुंदरवन में टोटल 102 आइलैंड है। टाइगर ये सब आइलैंड क्रॉस करके 7-8 किलोमीटर नदी क्रॉस करके गाँव में प्रवेश करते हैं। गाइड दादा हम लोगों को क्रोकोडाइल और टाइगर के बारे में बहुत सारे किस्सा कहानी सुनाए। हम लोग अभी पहुंचे हम लोगों के सेकंड डेस्टिनेशन दोमाकी कैंप सुंदरबन टाइगर रिजर्व। हम लोग अभी लोहे का नेट फेंसिंग के अंदर है और दोनों साइड है ओपन जंगल। इधर भी एक वॉच टावर है, वॉच टावर से आप दूर दूर तक जंगल का व्यू देख सकते हो। इधर एक मीठा पानी का पॉन्ड है, पॉन्ड के पास दिखाई दिया डियर। इधर का जमीन में आप रेड क्रैब्स देख सकते हो। इधर एक छोटा सा वन दुर्गा वन बीबी मंदिर है। सुंदरबन के लोग जंगल का मधु कलेक्ट करने से पहले और मच्छी पकड़ने से पहले वन दुर्गा बॉन बीबी के पूजा करते हैं। अभी है लंच टाइम, लंच के बाद हम लोग और भी घने जंगल के अंदर एंट्री करेंगे, जिधर टाइगर देखने का चांसेस ज्यादा होगा। सेकेंड डे सुंदरबन टूर में अभी है लंच टाइम। आप अगर नॉन वेजिटेरियन हो तो आपको एक खाना बहुत पसंद आएगा, स्पेशली आपको कोलकाता का फेमस, वेस्ट बंगाल का फेमस इंसा मच जो होता है, केले का पत्ते देकर इसको बनाया जाता है, स्पेशल एक खाना है। आज खाने में हम लोगों को जो मिला राइस है, दाल है, आलू फ्राई है, इलिश मछ देके कचू साग, और ये है प्रॉन, और ये इल्सा मच का एक टॉप, और एक है पापड़। Yeah.
इंडिया में सुंदरवन का टोटल एरिया है 4200 स्क्वायर किलोमीटर और बांग्लादेश के अंदर है अप्रोक्स 6000 स्क्वायर। नॉर्मल लोग और टूरिस्ट बिना अनुमति के जंगल के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। 2020 एक रिपोर्ट के हिसाब से सुंदरवन में टोटल टाइगर है 100 प्लस। लंच के बाद हम सब रेडी हो गए थे टाइगर क्रोकोडाइल देखने के लिए। हम लोग अभी जो खाड़ी में एंट्री किए, इधर नेट फेंसिंग नहीं है, ये पूरा ओपन जंगल है। टाइगर ये रिवर को किसी भी टाइम पार कर सकता है, इसलिए हम लोगों को सतर्क रहना होगा। हम लोग एकदम साइलेंसली घने जंगल के अंदर जा रहे थे। फ्रूट में हम लोगों को अभी दिया गया मैंगो। हम लोगों को शाम को 5 बजे तक जंगल छोड़ना होगा, इसलिए हमारे बोट जंगल से निकल के पाखीरालॉय के लिए निकल गया। सिक्स PM हम लोग पहुंचे पाखीरालॉय। शाम को हम लोगों को 2 पीस वेजिटेबल पकौड़ा और कॉफी दिया गया एंड शाम को 7 बजे टूरिस्ट के लिए अरेंजमेंट था आदिवासी झूमर डांस। एक घंटा का झूमर डांस टूरिस्ट बहुत एंजॉय किया था। रात को डिनर में था अनलिमिटेड फ्राइड राइस चिली चिकन और सलाद। आज सुंदरबन टूर के लास्ट दिन, आज हम लोग घर लौटेंगे। सुबह ब्रेकफास्ट में था आलू कचौरी, चना दाल बॉयल अंडा और रायता। पाखीरालॉय से कैनिंग 6 से 7 घंटा टाइम लगता है। रास्ते में हम लोग एक गांव के अंदर लोकनाथ बाबा मंदिर और महादेव का मंदिर दर्शन किए। एक गांव में मैं एक आदमी से मिला जिनको टाइगर ने अटैक किया था। आप इनका माथे में चेहरे में टाइगर के नाखून दांत का निशान देख सकते हो। दोपहर लंच में था स्पेशल हिलसा बिरयानी। लंच के बाद हम लोग दोपहर 3 बजे कैनिंग पहुंचे। सुंदरबन वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। आप लोग बहुत अच्छा रहिए, खुश रहिए।